हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंग्लिश बोलना भी सीखा जा सकता है, और मैंने उसके लिए काफी रिसर्च की, काफी सोचा समझा, देखा, काफी एक्सप्लोर किया, और मुझे देखने के बाद एक बहुत ही हेल्पफुल टूल मिला, ChatGPT। शायद आपने इसका नाम पहले से सुन रखा होगा। आज ChatGPT ने जब से ये मार्केट में आया है इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा रखा है। आप जो चाहे सवाल पूछिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। आपको चाहे कोई एप्लीकेशन लिखवानी हो लीव के लिए, या कोई अपना रिज्यूमे तैयार करवाना हो, या किसी वेबसाइट का कंटेंट आपको तैयार कराना हो, या किसी चीज की स्क्रिप्ट आपको तैयार करानी हो, या कोई बुक आप लिखना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, या फिर आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है और उसका कॉन्टेंट तैयार कराना है, तो आज की इस दुनिया में ChatGPT AI की दुनिया में सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। 6 महीने पहले लगभग ये लॉन्च हुआ और ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पावरफुल AI टूल है। अब सवाल ये है कि क्या इसकी मदद से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? ऑफ कोर्स, यस यू कैन। इफ यू आर सिंसियर एंड इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, यू कैन फॉलो ए प्रोग्राम डिजाइंड बाई ChatGPT। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? आपको अपने गूगल ब्राउजर पे जाना है और वहां पर ओपन AI करके टाइप करना है, और वहां पर ChatGPT सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, राइट? अब उसमें लॉगिन करने के बाद आपको टाइप करना है हाउ टू इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश। तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स वो आपको देगा, एक एक करके आप देखते जाइए और अपने हिसाब से एक टेलर मेड प्रोग्राम, आप चाहें तो उससे एक पूरा का पूरा प्रोग्राम डिजाइन करा सकते हैं। आप लिख सकते हैं उसमें हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज, गिव मी अ 30 डेज प्लान टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब ये कैसे टाइप करेंगे? माई नेम इज अभिषेक, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, माई नेम इज अभिषेक, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड माई एज इज 43 ईयर्स, सो डिजाइन ए 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम फॉर मी डे वाइज। तो वो आपको day 1 में क्या करना है, day 2 में क्या करना है, day 3 में क्या करना है, 30 डेज का पूरा प्रोग्राम डिजाइन करके दे देगा। अब यदि वहां पर भी आपको लगता है कि दिस प्रोग्राम इज अ लिटल मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आपके लिए, तो आप उसे और स्पेसिफिकली डिजाइन करा सकते हैं। डिजाइन माई फर्स्ट डे इन डिटेल्ड वे, आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। तो वो आपको दिन भर में क्या करना है ये भी डिजाइन करके दे देगा। अब हो सकता है कि वो आपसे पूछे व्हाट इज योर इंग्लिश लेवल, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, राइट? आपको तय करना पड़ेगा, यू आर ए बिगनर, यू आर एन इंटरमीडिएट लेवल और यू आर एन एडवांस लेवल। तो आप उस पर टाइप करें यू नो हाउ टू लर्न इंग्लिश एज ए बिगनर, माई एज ग्रुप इज यू नो 22-25 एंड आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। तो वो उसके हिसाब से भी प्रोग्राम डिजाइन कर देगा। अब यदि आप इंग्लिश में मोस्ट कॉमन वर्ड्स पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट कॉमन वर्ड्स की इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो भी डिजाइन करके दे देगा। आपको टाइप करना होगा व्हाट आर द मोस्ट कॉमन 100 वर्ड्स इन स्पोकन इंग्लिश, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ब्स इन इंग्लिश, राइट? अब यदि आप idiom सीखना चाहते हैं तो वो आपको मोस्ट कॉमन idioms की एक लिस्ट दे देगा। तो आप टाइप करेंगे टेल मी मोस्ट कॉमन idioms इन इंग्लिश विद हिंदी explanations, विद examples। तो वो आपको examples भी क्रिएट करके दे देगा। सो ChatGPT एक ऐसा टूल है जो आपको, मतलब ऐसा समझिए कि जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। अब यदि आप कहीं अटक जाते हैं तो आप ChatGPT से पूछ सकते हैं हाउ डू यू से मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा इन इंग्लिश, वो आपको इसका भी जवाब दे देगा। जैसी भी क्वेरीज या जैसे भी प्रॉम्प्ट्स जो हम उसमें डालते हैं, टाइप करते हैं, उन्हें हम प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं। तो जैसा भी प्रॉम्प्ट आप उसमें डालेंगे वो आपको वैसे ही रेस्पॉन्सेस भी दे देगा। तो दोस्तों,
कमाल की हुई ना बात कि आज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप चाहे मैथ में कुछ करना चाहते हो, आप साइंस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आप गूगल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपको अपना दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो चैट जीपीटी टूल है, कई बार ये स्पेसिफिक नहीं होगा, क्योंकि ये आपको उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देता है जिस हिसाब से आप इसमें क्वेरी डालते हैं। तो क्वेरी जितनी डिटेल में होगी, जितनी स्पेसिफिक होगी, उसको रेस्पॉन्स देने में उतना ही मजा भी आएगा और आपको उसके रेस्पॉन्स उतने ही ज्यादा अच्छे भी लगेंगे, सूटेबल भी लगेंगे। अब कई बार आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, यू वॉन्ट टू राइट अ रेज्यूमे, आप अपना रेज्यूमे राइट करना चाहते हैं बट यू हैव नो आइडिया हाउ टू राइट अ रेज्यूमे, रेज्यूमे कैसे लिखें। तो फिर आप कह सकते हैं चैट जीपीटी से, राइट अ रेज्यूमे फॉर My age this, I belong to this, अपनी डिटेल्स भरें और चैट जीपीटी आपके लिए एक रेज्यूमे भी तैयार कर देगा। यदि आपको शादी के लिए कहीं बायोडेटा देना है तो आप अपनी डिटेल्स फिल करें और वो आपको बायोडेटा तैयार करके दे देगा। आप और तो और यदि आप कोई यूट्यूब का वीडियो प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप उसे टॉपिक देंगे तो वो आपको स्क्रिप्ट भी तैयार करके दे देगा, लेकिन थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। हाँ, आप एक दिन चैट जीपीटी यूज करेंगे, दूसरे दिन यूज करेंगे और एक महीने तक आप चैट जीपीटी जब यूज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक टूल है वो कैसे काम करता है। एंड ऑफकोर्स इन फ्यूचर चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस अ लॉट ऑफ जॉब्स, लॉट ऑफ जॉब्स यू नो, हजारों लाखों करोड़ों नौकरियों को खतरा भी आने वाला है चैट जीपीटी से। तो इससे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप घुसे, यू मस्ट ट्राई चैट जीपीटी टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। विश यू ऑल द बेस्ट, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।